आरकेएसडी कॉलेज में आयोजित हुए जिला सत्रीय वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पहुंची और उन्होंने पौधारोपण किया। कार्यक्रम में विधायक लीलाराम व जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर को भी पहुंचना था, लेकिन इनमें से कोई भी नेता नहीं पहुंचे। मंत्री निर्धारित कार्यक्रम में करीब एक घंटा लेट पहुंची और अधिकारी मंत्री के इंतजार में बुके लेकर गर्मी में खड़े रहे। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री कमलेश ढांडा ने जहां लोगों से अपने आसपास पौधारोपण एवं जल संरक्षण करने की अपील की, वहीं उन्होंने अपने घर में खुशी के मौके पर एवं जन्म दिवस पर एक पौधा लगाने और उसके बड़े होने तक उसके संरक्षण करने की भी अपील की और कहा कि ऐसा किए जाने से हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा और हम कोरोना जैसी महामारी को भी हरा पाएंगे। वन महोत्सव है, उसके अवसर पर आज हम सभी ने यहाँ आरकेएसडी कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल साहब, चेयरमैन साहब और मैं और हमारे डीसी साहब और सभी वन विभाग के अधिकारीगण सभी ने यहाँ पर पौधारोपण किया और हमारे जीवन में ऑक्सीजन और पर्यावरण के लिए पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी जो ये आज का कार्यक्रम है वन महोत्सव, उसको हर एक जिले से जुड़ेंगे और अपना संदेश देंगे भी इसको पर्यावरण, जल और वन को किस तरह बचाना है और किस तरह इसकी देख रेख करनी है। और जैसे अब कोविड महामारी आई, उसको देखते हुए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उसको पूरा करने के लिए मैं ये कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, वन लगाएं, उसकी देख रेख करें। और अगर कोई किसी के घर में कोई किसी प्रकार का जन्मदिन है या सालगिरह है और भी कोई कार्यक्रम है, मैं तो कहूँगी उसमें भी एक एक पौधारोपण करना चाहिए। और पौधारोपण करना ही नहीं, उसकी देख रेख भी करनी चाहिए। 3-4 साल के लिए जैसे बच्चे की हम देख रेख करते हैं, इसी तरह ही हमें पौधों की देख रेख करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्या नाम महत्व है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, हमारे वन भी ने मिलकर इसको मनाया। देखिए जैसे आज वन महोत्सव है, इसके साथ जो पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण का भी महत्व है, तो आज जल भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं भी हम पानी को बचाओ, जैसे कोई बारिश का पानी है, कहीं खड्डा बना दिया, किसी भी तरह से उसको बचा के रखें, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी ज़रूरी है। और अब पानी की कमी होती जा रही है, तो मैं तो यही कहूँगी भी ज़्यादा से ज़्यादा जल को भी बचाएं और वन भी लगाएं और साथ साथ में इसका ध्यान रखें। पेड़ पौधे सरकार आई है 2014 से, इसमें पौधारोपण का वन का बहुत ज़्यादा महत्व है और हमारी सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान दे रही है। और इसका आगे जैसे मैं कहा भी हम पौधे पौधे तो लगाते हैं, उसकी देख रेख भी ज़रूरी है, तो हम बिल्कुल इसकी देख रेख भी रखेंगे और रखी जा रही है। और अब जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक ज़िले में जैसे पीछे ऑक्सीजन वन हमारे करनाल में शुरुआत की है, घोषणा की, इसी तरह से हर एक ज़िले में ये ऑक्सीजन वन लगाया जाएगा और पौधों की रेख भी करी जाएगी। जैसे हमारी बुढ़ापा पेंशन की बात है, इस तरह अगर कोई वन है उसकी कोई देख रेख करेगा तो उसमें पेंशन, उसको तनख्वाह देने का भी काम करेंगे।